मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कपड़े पहने बाबा साहब की वजह से। भाई मैंने जितना पढ़ा, मुझे कुछ जो है ना हाथ जोड़कर पूजा पाठ करके मुझे कुछ नहीं मिला अब तक। और अब तो मैं इतना पक्का होगा मैं उधर जाता भी नहीं, मैंने तो गलियां छोड़ दी हैं, अपना रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। तो मैं नमन करता ही पैरियर रामास्वामी नायकर साहब को, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, और यहाँ की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले साहब मान्यवर काशीराम साहब को। महिलाओं को जागृत करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाली माता सावित्रीबाई फुले को, माता फातिमा शेख को, और बिजली पासी जैसी महिलाओं को जिन्होंने यहां पर अपने समाज का झंडा और डंडा बुलंद किया और बताया कि ना तो यहाँ के पुरुष कम है ना यहाँ की महिलाएं कम। मैं सबको नमन करता हूं। एक हमारे यहाँ के राजा हुए हैं, यही क्या है, राणा पुंजाबील साहब। देखो गौरव तो नाम लेकर के उनका खूब हो रहा है, मुझे खूब अंदर से मन हिलोरे मार रहा है कि भाई मेरे समाज के एक राजा हुए हैं। लेकिन मेरे अंदर एक दुख भी पैदा कर हो रहा है, जिस जिस समाज के राजा हुए हैं उस समाज के लोगों ने अपने राजपाट का खूब बखान किया और बताया, और अभी भी कहता है चौड़े होकर के कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने यहां राज किया। लेकिन हम नहीं बताते, हम नहीं कहते, हम चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि दोबारा हमारी तलवारों में टंकार पैदा हो जाए। हम चाहते ही नहीं कि जिनके वजूद से हमारा वजूद है उस वजूद को खड़ा करने के लिए हम एकजुट हो जाएं। हम चाहते ही नहीं। फिर भी मैं राणा पुंजा जी को भी नमन करता हूं और तमाम उन सूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने एक समय पर अपनी सूरवीरता का लोहा मनवाया। दो आदिवासी सूरवीर हुए हैं जिन्होंने 1855 में आजादी की लड़ाई शुरू की थी, सिद्धू और कानू, झारखंड के रहने वाले, गौर से सुनिएगा। 1855 में 30,000 से ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों ने तीर कमान उठा करके अंग्रेजों की तोपों का सामना किया था। ताली मत बजाइए, अभी तो मेरा सवाल आने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस हिस्ट्री को जानते हैं। बस सिर्फ एक बहन ने हाथ उठाया कि वो जानती है। मैंने पहले माफी मांग ली, मैं बुरा बतवानिएगा मत, मुझे बताओ बेशरम कौन है, बेशरम कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते इतिहास नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र का अधिकार देकर के चले गए, हम इतिहास नहीं लिख रहे हैं। हम तो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, खुद को ही नहीं जान पा रहे कि हम कौन, कहां, क्या, कैसे हैं। खाली बात राजस्थान की नहीं है साहब, कि राजस्थान के एक जिले की बात है नहीं, या एक प्रदेश की बात है नहीं, या एक जाति की बात है नहीं, ये पूरे देश की बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब जब अधिकार छीनते हैं हमारे छीनते हैं और हम आधे ज्यादा लोग बैक मार जाते हैं। कितनी हत्याएं हुई हैं, कुछ हत्याएं तो देखो इन्होंने लिख कर दी है, ये रटी हुई भी है। पाली में जितेंद्र मेघवाल क्यों, इसलिए क्यों हो जाए हमारी हत्या, मुझे रखने पर रखेंगे भाई, बड़ी बड़ी रखेंगे, आबादी इतनी है, पूरी चुनौती है राजस्थान के उन लोगों को जो मूछे रखने काट मारते थे हमें, पूरी चुनौती है, मूछे रखेंगे, जेल लगा लगा कर रखेंगे, तुम्हारी जितनी ताकत है लगा लो। बाबा साहब के संविधान ने रोक रखा है, बाबा साहब के संविधान ने रोक रखा है, जिस दिन संविधान साइड में किया, जिस दिन संविधान साइड में रखा और ये हो गया कि नहीं अब मूछे काट रखने पर हत्या नहीं होनी, उस दिन राणा पुंजाबील का इतिहास दोहराएंगे, उस दिन बताएंगे तुम लोगों को। खुली चुनौती है, करें क्या भाई, करे क्या, पानी के मटके में मार दे, बेटी का रेप हो जाए मुखबाधिर का तो हम मर जाते हैं, हम तो कहीं सम्मानित काबिल रहे ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहो, क्या रहो, संगठित। और काल्पनिक किताबों में लिखा हुआ है जिसको बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं,
ये किताबें भगवान ने लिखी, उसमें एक किताब में लिखा हुआ है कि संगे शक्ति कलयुगे, अगर उनके हिसाब से भी चलो तो वो भी ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे प्रभावी होगी। हालांकि ये कलम युग है, हम जैसे लोगों के लिए कलम युग है, वो भी ये बता रहे हैं उनके लोग संगठित हो रहे, हम नहीं हो रहे। सीधी सी बात, कुछ लोगों का सवाल भी होगा कि भाई आप तो भड़का रहे, आप तो उनके अपनी बात कर रहे हो। बिल्कुल करूंगा भाई, बिल्कुल करूंगा। एक वर्ग के पास हजार हजार बीघा जमीन है, बड़े बड़े महल है, और एक वर्ग के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। एक बात हमेशा ध्यान रखना सब लोग, कमजोर और ताकतवर में आज तक जीवन में कभी फैसला नहीं हुआ है। अगर मैं कमजोर हूं ना और ये ताकतवर है और हम में कुछ हो जाए तो गलती मेरी है, क्योंकि मैं कमजोर हूं। इसलिए कमजोर ताकतवर में कभी फैसला नहीं हुआ, भारत में नहीं, पूरे संसार में नहीं हुआ। वो ताकतवर लोगों में फैसले होते हैं, कमजोर में फैसले नहीं होते। तो इस समाज को ताकतवर बनना पड़ेगा, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, एक ही चीज से। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षा तुम ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा लेने के बाद छोटी बहन भी बता रही थी, मैंने कहा कि थोड़ा संकोच बोली थी, मैं थोड़ा खुल के बात पूरी कर देता हूं। शिक्षा तो ले रहे हैं हम, नौकरी पे भी जा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही धन आया हम दलित आदिवासी से फौरन सुवर्ण हो गए और टीवी और बीबी में घर में बैठ के खुश हो गए, हमें शर्म नहीं आई। बिल्कुल बताइएगा जाकर के गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को, उन्हें जरूर बताइएगा। जो मूवमेंट के नाम पर जब उनके घर के दरवाजे जाया जाता है, उनसे कहा जाता है साहब कार्यक्रम है, आंदोलन है, कुछ मदद कीजिए, वो कहे ठीक है करेंगे, उन्हें जरूर जाकर कहिएगा कि भीमानी वाले ये कह रहे थे, भाई बदनाम तो है ही, सच बोलने में बदनाम तो हमें ही। सब कहते हैं भाई तुम तो लड़ते हो, तुम तो कुछ भी कह देते हो, भाई हम तो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 दिया, बिल्कुल कहेंगे। और यहां के राजनीतिक लोग भी सुन लें, गौर से सुन लें कि अगर तुम ये चाहते हो कि कभी मेघवाल मरेगा, कभी भील मरेगा, कभी कोई मरेगा, और तुम सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकोगे, तो देखो यार बीमार भी तो इलाज करने के लिए बनाई है, दूसरों का कर दिया तुम्हारा भी कर। बिल्कुल हिसाब सी बात है, अब तक समाज से कुछ मांगा नहीं है, मांगा ही नहीं कुछ भी। उत्तर प्रदेश जेल में रहे चंद्रशेखर भाई 16 महीने, 12 महीने मैं फरारी में रहा, इसलिए समाज के लिए। हमारे साथी जेल में रहे, किस लिए? समाज के लिए। दिल्ली तिहार रहे, किस लिए? समाज के लिए। कुछ मांग थोड़ी ले किसी से, लेकिन हम मांगते भाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसी प्रकार चाहिए जैसे सुबह से शाम तक मजदूर मजदूरी करता है, शाम को उसकी मजदूरी चाहिए। तुम भी आर्मी के लोग भी कहते हैं, जब ये रात दिन ईमानदारी के साथ घर फूक करके समाज के हर हर आंदोलन में खड़े रहते हैं, तो भाई देखो वोट सपोर्ट और नोट अब चाहिए आप लोगों से, बिल्कुल चाहिए, और मजबूती से चाहिए, बिना डरे चाहिए, और डंके की चोट पर चाहिए। और ये जो चेहरे आपके सामने बैठे हुए हैं, इनमें एक चेहरा ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, कि आपका प्रधानमंत्री इनमें से किसी चेहरे को खरीद पाए, मुख्यमंत्री के तो कोई असर नहीं है, उसे तो जब मर्जी जो है लाके सड़क पर खड़ा कर देते हैं, एक आदमी को नहीं खरीद पाएगा। इसलिए भीम आर्मी मजबूत है पूरे देश के अंदर, और भीम आर्मी दलितों का संगठन नहीं है। कोई ये कहता हो कि किसी जाति विशेष का संगठन, दलितों का संगठन नहीं है, भीम आर्मी उनका संगठन है जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझते हैं और समझाने का दम रखते हैं, उनका संगठन है ये, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं।